दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलर्जी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एक रेमेडी लेके आई हूँ। ये बहुत ही सेफ़ है और इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप वीडियो में सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये दोस्तों आपको सिर्फ़ एक बार लेना है दिन भर में, और इसको लगातार जैसे बताऊंगे वैसे आप करेंगे तो कैसी भी एलर्जी की समस्या हो ठीक हो जाती है। अगर आपको बार बार छींकें आती हैं, आपके नाक से पानी बहता है, मौसम बदलता है या फिर नहीं बदलता, कुछ लोग होते हैं सुबह उठते ही उनको बार बार छींकें आने लगती हैं, ये एलर्जी की वजह से होती है। तो ये एलर्जी की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर देता है। बस बताए के अनुसार आप इसको यूज़ करिए और आप जो भी परहेज बताया जाता है वो भी करिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, होता क्या है, कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या होती है, सो उठते ही छींकाने लगती है, या जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म ठंडा होता है तो छींकें आने लगती है, नाक से पानी बहना, सर दर्द होना, ऐसे जुकाम जैसी समस्या होने लगती है। तो दोस्तों देखिए, ये जो बहुत इफेक्टिव, जैसे हम कहते हैं नीम, नीम अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव होता है, एंटीपायरेटिक होता है, एंटी फंगल होता है। इसके इतने सारे गुण हैं दोस्तों कि अगर मैं गिनाने बैठूंगी तो आप इस बिल्कुल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, नीम को कैसे उपयोग करना है, नीम की पत्तियों को देखिए, हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह होते हैं, इसको वॉश करके थोड़ा सा सुखा लीजिए, या फिर आप इसको अगर पत्तियों को निकाल लेते हैं उसके बाद पानी में थोड़ा सा डुबा के इस तरह रख दीजिए, जैसे हमने इसको डुबा के रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद 2 बार पानी से धुलने के बाद इस तरह पानी से मैंने रखा है। अब इसको जब अच्छे से साफ़ जाए तो एक मिक्सी के जार लीजिए, इसको पीस के आपको पेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। बिल्कुल लिक्विड ही नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो इसमें आप देखिए पानी इस पत्ती में पड़ा हुआ है, तो आप इसी तरह से पत्ते को डाल दीजिए क्योंकि इसको मैंने 2-3 बार धुला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि खाना है इन पत्तियों को, तो आपको इसको अच्छे से वॉश करना है जिससे इसमें डस्ट और गंदगी वगैरह ना रहें। देखिए, सारी पत्तियों को डाल दिए, क्योंकि इसको पेस्ट फॉर्म में बदलना है तो थोड़ा सा पानी हमको ऐड करना पड़ेगा, तो पानी बहुत ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा डाल देंगे तो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, फिर आपको यूज़ करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि जैसे चटनी वगैरह बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उसकी गाढ़ी रहे। तो इसमें बहुत थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ पे बाउल से पानी डाल दे रहे हैं, अगर चम्मच से आप करिए तो 3-4 चम्मच डाल दीजिए, या चटनी वाले जार में आप बना रहे हैं तो 1 चम्मच डालेंगे तो भी आराम से बन जाएगा। तो ये देखिए, हम यहाँ पे डाल दिए, 2 से 3 चम्मच के करीब पानी है, इसको डाल दीजिए, इसको पेस्ट फॉर्म में चलिए पीस लेते हैं। देखिए, पीसने के बाद बिल्कुल इसी तरह से ये बन के तैयार होगा, देखिए ना तो बहुत ड्राई है और ना ही गीला है, देखिए इसी तरह से आप पीस के तैयार कर लीजिए। तो ये पिस गया है, पिसने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम 2 तरीका आपको बताएंगे, जो भी आपको आसान लगे उस तरह से आप यूज़ करिए। एक बार में बहुत ज़्यादा ना बनाइए, इसे हफ्ते भर के लिए बना के तैयार करिए, और इसे सिर्फ दिन में एक बार लेना है, सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं सुबह ही आपको खाली पेट लेना है। और कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ, देखिए किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल लिक्विड ही भी नहीं बना है, ना ही बहुत गाढ़ा है। इसकी जो है गोलियाँ बनाई जाती हैं, अगर आप गोलियाँ नहीं बना सकते हैं तो छोटा छोटा भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप इसको बना के फ्रिज में रख के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये सारा पेस्ट हमने निकाल लिया है, अब चलिए इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाते हैं। तो गोलियाँ बनाने के लिए अब जैसे हम हाथों से छोटा छोटा पार्ट लेंगे ना, तो एक जैसे बेर होता ना, बेर खाते हैं, बेर की साइज़ से थोड़ा छोटा, यानी जो चना होता है चने की दुगनी क्वांटिटी में, यानी 2 चने के बराबर इसकी साइज़ आप इसको ले लीजिए, उतनी ही क्वांटिटी में आपको एक बार यूज़ करना है। अगर जितना बताया जा रहा है अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो लगातार अगर आप 2-3 महीने भी यूज़ करते हैं तो इसके आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। देखिए, 2 चने के दाने के बराबर ये गोली बना के इस तरह से आप चाहिए किसी प्लेट में रख के आप सुखा के भी रख सकते हैं, और अगर ऐसे हैं कि सुखाना नहीं चाहते तो आप ऐसे छोटी छोटी गोलियाँ एक साइज़ के बना के और फ्रिज में इस तरह से रख लीजिए, और जब भी आपको खाना हो तो फटाक से एक गोली निकालिए और इसको खा लीजिए। कैसे खाना है ये भी मैं आपको बताएंगे। देखिए, छोटी छोटी इस तरह से बना के रख देते हैं, ऐसे ही ये घर में पर्सनली यूज़ करते हैं, ये हमारे घर में ही लोगों को प्रॉब्लम थी, उनको बार बार जुकाम की समस्या ही। दोस्तों, अभी 1 महीना हुआ यूज़ करते हुए, उनको दोबारा ये समस्या अभी तक नहीं हुई, इसे मैं 3 महीने इस उपयोग को करवाऊँगी, उससे देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाता है। अभी तो 1 महीने हुआ, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, तो मैंने इस वीडियो को बना के आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको भी अगर ये समस्या है तो आप भी इसके फ़ायदे को उठाइए, क्योंकि बहुत ही हेल्दी चीज़ है। और जानते हैं, नीम की पत्तियाँ खाने से हमारे ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो भी साफ़ होता है, ये ब्लड प्योरीफायर का काम करता है। साथ साथ जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं जिनके सांस फूलने की समस्या होती है, वो भी अगर इस तरह से लेते हैं तो उनको भी ये फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये हमारा जो नाक के अंदर की जो नसें होती हैं उनको ये बिल्कुल स्मूथ करता है, उसके अंदर जो भी गंदगी होती है उनको साफ़ करता है, एलर्जी की समस्या को दूर करता है, उसमें जो तनाव होते हैं उनको भी ये नॉर्मल करता है। लेकिन कुछ परहेज होते हैं दोस्तों, किसने नहीं लेना चाहिए,
चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए, या फिर जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शुगर के लेवल को बहुत तेज़ी से घटाता है। जो हाई डायबिटिक होते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है, उनका डायबिटीज़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो देखिए इस तरह गोली बना के फ्रिज में रख देते हैं। अब ये इस तरह से यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है, देखिए एक चम्मच शहद ले लीजिए, उसमें आप एक गोली जो है इसको डाल के सुबह सुबह बासी मुंह खा लीजिए। और एक बात का ध्यान देना, जब भी आप दवा खाएंगे तो उसके एक घंटे पहले और एक घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, यहाँ तक कि पानी भी आपको नहीं पीना है। इसको आप खा लेंगे क्योंकि शहद है मीठा होता है, अगर आप इसके साथ खाएंगे तो आपको ये और नहीं लगेगा, आप इसको बड़े आराम से खा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना, इस बात का ध्यान दीजिए, एक घंटे तक कुछ भी नहीं। तो सो के उठते हैं तभी आप इसको खा लीजिए, उसके बाद फ्रेश वगैरह होंगे, जब तक फ्रेश होंगे नहाए वाएंगे तब तक एक घंटा हो जाता है, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर सकते हैं। तो इस तरह से एक चम्मच शहद में आप इस एक गोली को डाल के रोज़ सुबह मॉर्निंग में आप खाना स्टार्ट करिए। ऐसा आप 3 महीने लगातार करिए, जड़ से ये समस्या आपकी जो एलर्जी की है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और लगातार दोस्तों अगर किसी को नीम की से एलर्जी है तो वो लोग इसका सेवन ना करेंगे। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको किन किस चीज़ों से होती है समस्या, किसी को नीम से भी हो जाती है। तो आप इसे हफ्ते भर एक बार ज़रूर करिएगा, 7 दिन लगातार करिए। अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होती तो इसे लगातार आप 3 महीने करिए। इससे आपकी जो एलर्जी की समस्या है, बार बार छींके आना, नाक से पानी बहना और आपके सर में दर्द होना, ये सारी समस्याओं को दूर करेगा। दोस्तों ये नीम और शहद का जो पेस्ट होता है ये स्किन के लिए भी हमारे बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे मैंने बताया ब्लड को प्योरीफाई करता है, इसलिए आपको एक्ने की समस्या है, फेस में रिंकल्स की समस्या, ये सारी समस्याओं को दूर करता है। खुजली वगैरह जो स्किन में होती है वो भी ठीक हो जाती है। इसकी पेस्ट को जो पेस्ट बनाया है इसमें शहद डाल के अगर फेस पे लगाते हैं तो फेस में जो पिंपल्स होते हैं, दाग धब्बे छाइयाँ, उनको भी ठीक करता है। कहीं भी फंगल इन्फेक्शन है तो ये नीम की पत्तियों को पीस के अगर आप लगाते हैं तो उसमें उसके भी बहुत ही फ़ायदे होते हैं। नीम अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक है और शहद भी एंटीपायरेटिक होता है, एंटी फंगल होता है, बहुत इफेक्टिव इसमें गुण होते हैं, सूजन को दर्द को भी दूर करता है। तो नीम और शहद को इस तरह से एक साथ आप सेवन करें, आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। एलर्जी के लिए रामबाण दवा है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी अगर इसकी ज़रूरत है तो उनके भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।